आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हो बट यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज कि मैं करूं तो मैं क्या करूं। किसी को देखता हूं वो कह रहा है वीडियो एडिटिंग बड़े पैसे कमा रहा है, कोई ई कॉमर्स करके बड़े पैसे कमा रहा है, कोई ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहा है, मैं क्या करूं। आपने वो करना है जो आपका इंटरेस्ट है। आपने कभी ये नहीं देखना कि फलाना बंदा ट्रेडिंग करके अरबों कमा रहा है, मैं भी उधर ही घुस जाऊं। उसने टाइम लगाया, उसकी अपनी स्ट्रेटजी थी, वो एक डिफरेंट टाइम उस मार्केट में गया था। जरूरी नहीं है कि आपके पास भी वो सेम रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, अगर आप उतने रिसर्च करें, आप उतना टाइम दें तो आप करीब करीब जा सकते होंगे। एंड सिमिलरली इट गोज फॉर एनी अदर फील्ड एज वेल। अगर आप करना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग, अगर आप करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग, आपको पता है यार प्रोग्रामर्स हैं महीने का 10-15 लाख करोड़ रुपया कमा रहे हैं, डेवलपमेंट हाउसेस हैं महीने का अरबों रुपया कमा रहे हैं, तो वो आप भी कमा सकते हैं। हाँ, अगर आप कहते हैं नहीं मैंने भी उतना ही कमाना है, तो शायद आप उससे कम कमाएं अगर आपने उतनी मेहनत नहीं की। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप उनसे भी आगे निकल जाएंगे। सो सिमिलरली आपने वो करना है जो आपका दिल डीप डाउन कहता है कि मेरा करने का दिल है। पैसा एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। पैसा इज सिंपली अ बाय प्रोडक्ट कि आप कितनी वैल्यू देते हैं कहीं पे भी, चाहे वो आपके घर हो, चाहे वो आपकी कंपनी हो, चाहे वो आपका अपना कोई फाइनेंस का काम हो। जितनी आप वैल्यू जनरेट करेंगे उतने आप पैसे कमाएंगे। सो फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू, एंड वैल्यू आप सिर्फ तभी जनरेट करेंगे जब व्हेन यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट द वर्क दैट यू डू। अगर आपको उसको हर लम्हे आप कोस रहे हैं मैं कितना फंस गया हूं, आप एक्सपेक्टेशंस एक्सीड नहीं करेंगे। You have to exceed the expectations and वो तभी होगा जब आपको मजा आ रहा है काम करने में। So you'll go the extra mile. So that is how you can see कि मैं क्या करूँ। पैसा हर फील्ड के अंदर है। मैं दोबारा ही बात बोल रहा हूँ, पैसा हर फील्ड के अंदर है। कोई आपको ये कह रहा है वो करो बड़े पैसे हैं, नहीं, हर चीज में पैसे हैं। आपकी स्ट्रेटजी मैटर करती है कि आप उसको लॉन्ग टर्म, आपका विजन क्या। अगर आपका विजन सिर्फ ये ना कि यार बस मैंने महीने के $5 कमाने हैं, बस मैं वो कमा लूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो बस फिर आप वहां तक ही जाएंगे कि जहां तक आप 500 कमा लेंगे। लेकिन अगर आपका विजन ये है कल को मैंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाना है, उसके बाद मैं फिर अपनी इन सारी सर्विसेज को इस तरह करके आउटसोर्स करूंगा, एंड देन मैं इस तरह के लोगों के साथ काम करूंगा, मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, एंड देन उसको लार्ज स्केल में जाके बेचूंगा। तो ये एक बड़ा विजन है। बड़े विजन के साथ आएंगे बड़े चैलेंजेस, बट इट्स गोना रिक्वायर बिगर सैक्रिफाइसेस, लेकिन यू गाइस आर गोना गेट बिगर रिवॉर्ड्स। तो इस तरह करके पैसा हर चीज में, जिस फील्ड में आपको मजा आता है उसमें जाए, एंड होपफुली इट्स गोना वर्क आउट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उस बंदे के साथ लाजमी शेयर करें जो बस कहता है कि चाचू ने बोल दिया ये कर लो, मामू ने बोल दिया ये कर दो, मेरा दोस्त कह रहा था ये फील्ड अच्छी है। वो सब जो है ना आपको वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के पीछे लगाएंगे कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और ये चीज आपको वक्त भी सिखाएगी। सो आई होप दिस विल हेल्प यू गाइस आउट। इफ यू डिड बी श्योर टू लाइक, फॉलो, शेयर, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट रील। अल्लाह हाफिज़।